बीजेपी के करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह पर जेडीयू का ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, जेडीयू का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने का फैसला करना और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ये याद दिलाना कि 2020 के चुनाव में जेडीयू के खिलाफ साजिश रची गई थी, क्या ये सब बिहार की सियासत में अगस्त क्रांति के संकेत हैं? जेडीयू से इस्तीफा देते हुए जब आरसीपी सिंह ने कहा कि ये पार्टी डूबता हुआ जहाज है, तो ललन सिंह ने कहा ये दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है? इस बीच जेडीयू ने विधायकों और सांसदों की बैठक बुला ली है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी बैठक बुला रही है। खबर तो ये भी चल रही है कि नीतीश ने सोनिया गांधी से बात की है। बात यहीं तक नहीं है, इससे पहले नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली नहीं पहुंचे, मगर उसी दिन पटना में कैबिनेट सहयोगी बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के साथ मंच शेयर करते नजर आए। दो अन्य कार्यक्रमों में भी नीतीश ने शिरकत की। थोड़ा और पीछे चले तो फुलवारी शरीफ कथित टेरर मॉड्यूल खुलासे के बाद जब पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की, तो बीजेपी ने ढिल्लो को सजा देने की मांग की, लेकिन जेडीयू टस से मस नहीं हुई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में हिंसा भड़की तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार सख्त एक्शन नहीं ले रही। जाति जनगणना पर नीतीश और बीजेपी अलग पेज पर नजर आए, तो क्या अब इन तमाम सियासी घटनाओं का क्लाइमेक्स आ गया है?